खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब फटाफट 100 सेकंड में नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ की शुरुआत, अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। अफगानिस्तान की टीम 48 ओवर दो गेंद में 207 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया ने 15 ओवर एक गेंद पहले ही हासिल किया लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया के जीत के हीरो रहे डेविड वार्नर। बॉल टेम्परिंग विवाद में पाबंदी के एक साल बाद खेल रहे वार्नर ने 89 रन की पारी खेली। वार्नर मैन ऑफ द मैच भी बने। वार्नर के अलावा कप्तान फिंच ने भी खेली मैच जिताऊ पारी। फिंच ने 49 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस और एडम जंपा ने की शानदार गेंदबाजी। दोनों ने लिए 3-3 विकेट। स्टोइनस ने भी 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान की ओर से नजीबुल्ला जारदार ने 51 रन की पारी खेली। रशीद खान ने 11 गेंद में ताबड़तोड़ 27 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने भी विश्व कप में जीत से किया आगाज। श्रीलंका को 10 विकेट से दी मात। विकेटों के लिहाज से वर्ल्ड कप में श्रीलंका की सबसे बड़ी हार। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम सिर्फ 29 ओवर दो गेंद में 136 रन बनाकर ढेर। न्यूजीलैंड ने 16 ओवर एक गेंद में जीत दर्ज। श्रीलंका के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। कुशल मेंडिस, एंजेलिनो मैथ्यूज और उदाना बिना खाता खोले आउट। श्रीलंका की ओर से सिर्फ डी करुणारत्ने ने कीवी गेंदबाजों का सामना किया। ओपनिंग करने आए करुणारत्ने ने 52 रन बनाए और अंत तक आउट नहीं हुए। न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी और लोकी फर्ग्यूसन की शानदार गेंदबाजी। दोनों ने 3-3 विकेट लिए। हेनरी मैन ऑफ द मैच चुने गए। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने लगाया 8 शतक। गपचिल 73 और मुनरो 58 रन बनाकर नाबाद रहे। विश्व कप में आज बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका की टक्कर। दोपहर 3 बजे से लंदन में खेला जाएगा मैच। अपना पहला मैच हार चुका है दक्षिण अफ्रीका।